मेरा नाम राम बच्चन जायसवाल है, मेरे फर्म का नाम आकाश गंगा रोड लाइन्स है, मेरा टैंकर का कारोबार है। महिंद्रा तकरीबन 2017 से मेरे पास है और अभी तक तो जो भी गाड़ी मैंने लिया है ये सारी अच्छी है। माइलेज तो देती है गाड़ी, हम जो क्लस्टर में देखते हैं तो उसके हिसाब से माइलेज देती है। अभी जैसे गाड़ी 3-10, 3-20, 3-30 टन में देती है। आज के मार्केट में महिंद्रा एवरेज अच्छा दे रही है। महिंद्रा में एक बेनिफिट है कि अगर हमारा ड्राइवर है उसको बोल दे भाई ये गाड़ी लेके जाओ तो वो तुरंत तैयार हो जाएगा, ठीक है हम लेके जाते हैं। वही चीज़ अगर लैलन को हम बोल दें कि भाई ये हमारी गाड़ी है इसी एवरेज में तुम लेके जाओ तो बोलेगा सेठ मैं सोच के बताता हूँ, ये बेनिफिट है। मजबूती के मामले में देखने जाएंगे ना तो भारत बेंच तो सबसे मजबूत गाड़ी है, लेकिन उसका नुकसान ये है ये जैसे अभी 35 केएल लेके जाएगी वो 34 केएल लेके जाएगी, 1 केएल हर ट्रिप में हमको लॉस हो रहा है, तो इसलिए हमारे लिए महिंद्रा बेहतर है। 2017 में महिंद्रा ब्लेजो आया था तो IMAX स्टार्टिंग हुआ था, तो तब ये फीचर ना तो टाटा देता था ना भारत बेंच देता था, तो तब ये बहुत नया फीचर था हमारे लिए एज अ यूज़र भी। अब ऐसा हो गया है कि अभी जिस ड्राइवर को बोला है कि आप 300 लीटर डालिए, IMAX के थ्रू महिंद्रा ब्लेजो में ये ट्रैक कर सकते हैं कि वो बंदे ने उतना डीजल डाला है या नहीं डाला है। कि IMAX में एक और बढ़िया फीचर ये है कि गाड़ी में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो एज ए ओनर हम भी देख सकते हैं, क्योंकि बाकी में ऐसा होता है भारत बेंच में और टाटा में कि ड्राइवर कॉल करता है वो बोलता है कि डैशबोर्ड पर लाइट जल रही है, तो अब हम वो लाइट ट्रैक नहीं कर सकते हैं कि वो किस चीज़ का इशू है। बट महिंद्रा में एटलीस्ट ये कन्वीनियंस है कि आप प्रॉब्लम देख सकते हो कि मतलब छोटी है बड़ी है गाड़ी चल सकती है या नहीं चल सकती है, तो ये चीज़ का IMAX से बहुत अच्छा फीचर है। लाइक ओनर ड्रिवन कार है कि मतलब भले ड्राइवर गाड़ी चला रहा है बट एज एन ओनर आप पूरा मॉनिटर कर सकते हो।